नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के मोस्ट एमएसक्यू। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके राइट साइड में बेल का ऑप्शन आएगा, बेल पे क्लिक करके और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, दिए गए चित्र में डिवाइस को किस श्रेणी में रखा गया है, जिसमें पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी, यानी आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। पहला है मुख्य मेमोरी, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है रोम, चौथा है कैश मेमोरी। इसका आंसर आएगा डी, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रणाली में क्या शामिल है। पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा है मेमोरी डिवाइस, तीसरा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। अगला प्रश्न, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है जिसमें पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है इम्पैक्ट प्रिंटर, चौथा है मैनुअल। इसका आंसर आएगा सी, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है, जिसमें पहला है ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, दूसरा है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, तीसरा है स्कैनर, वेब कैमरा, सेंसर और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, जिसमें पहला ईपीरोम है, दूसरा पीरोम है, तीसरा रैम है, चौथा है रोम है। इसका आंसर है सी, रैम। अगला प्रश्न, चित्र में दिए गए कंपोनेंट का नाम बताएं, जिसमें पहला हार्ड ड्राइव है, दूसरा सीडी ड्राइव है, तीसरा रोम है, चौथा पेन ड्राइव है। इसका आंसर आएगा सी, रोम। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है, जिसमें पहला है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोटर, दूसरा है मदरबोर्ड सीपीयू, तीसरा हेडफोन स्पीकर, चौथा है टच स्क्रीन और प्रोजेक्टर। इसका आंसर आएगा बी, मदरबोर्ड सीपीयू। अगला प्रश्न, इनपुट आउटपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है, पहला है सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, दूसरा है डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, तीसरा है मॉडेम, फैक्स मशीन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण क्या है, जिसमें पहला है माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, दूसरा है डिजिटल कैमरा, तीसरा है टच स्क्रीन, चौथा है ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कंप्यूटर स्टार्टअप प्रक्रिया नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ माउस और कीबोर्ड जोड़ना, कंप्यूटर सिस्टम के पावर बटन को चालू करें, कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करें, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से एप्लीकेशन लॉन्च होता है। इसका आंसर आएगा ए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ माउस और कीबोर्ड को जोड़ना। अगला प्रश्न, सूचना प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से भाग हैं, पहला है उपयोगकर्ता और लोग, दूसरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा प्रोसेसर, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त। अगला प्रश्न, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है, जिसमें पहला है ऑप्टिकल स्कैनर, दूसरा है पंच कार्ड रीडर, तीसरा है मैग्नेटेप और चौथा है ओएमआर। इसका आंसर आएगा डी, ओएमआर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर घटक कौन सा नहीं है, पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, पहला इनपुट और आउटपुट डिवाइस, दूसरा है प्रिंटर और स्कैनर, तीसरा है प्राथमिक और माध्यमिक मेमोरी, चौथा है प्रोसेसर। इसका आंसर आएगा बी, प्रिंटर एंड स्कैनर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर घटक है, पहला है कंप्यूटर प्रोग्राम, दूसरा है मेमोरी में संग्रहित डेटा, तीसरा है वेब अनुप्रयोग और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोसेस से संबंधित है, पहला है प्रोसेसर सिलिकॉन से बना एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, दूसरा है पेंटियम का प्रकार इंटेल कोर प्रोसेसर, तीसरा है एक सिलिकॉन लाखों छोटे इलेक्ट्रोड से बना होता है और लास्ट है ऑल द अबोव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबोव। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में जो बटन 0 से 9 लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शन कीज,
दूसरा है न्यूमेरिक कीज, तीसरा है टाइपराइटर कीज, चौथा है स्पेशल पर्पज कीज। इसका आंसर आएगा बी, न्यूमेरिक की। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कीज F1, F2, F3 से F12 कीज को कहा जाता है, फंक्शन कीज, दूसरा है न्यूमेरिक कीज, तीसरा है कंट्रोल की, चौथा है सिंबल की। इसका आंसर आएगा ए, फंक्शन की। अगला प्रश्न है, टोंगल की कौन सी कुंजी निम्नलिखित में है, पहला है कैप्स, दूसरा है नम, तीसरा है स्क्रोल, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है, पहला है ऑप्टिकल स्कैनर, दूसरा है पंचकार्ड रीडर, तीसरा है मैग्नेटिक टेप, चौथा है OMR। इसका आंसर है डी, OMR। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संयोजन कीज है, पहला है कंट्रोल, दूसरा है अल्ट, तीसरा है शिफ्ट, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, लैपटॉप में माउस के स्थान पर किस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, पहला है जोस्टिक, दूसरा है टचपैड, तीसरा है ट्रैकबॉल, चौथा है ऑल डिवाइस। इसका आंसर आएगा टचपैड, बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, पहला है स्टैटिक रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है ईपीरोम, चौथा है गतिशील रैम। इसका आंसर आएगा डी, डायनेमिक रैम। अगला प्रश्न, IBM थिंकपैड में निम्नलिखित में से कौन सा इंगित करने वाला उपकरण प्रयोग किया जाता है, पहला है ट्रैक पॉइंट, दूसरा है टचपैड, तीसरा है बोथ और चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा बोथ, ए और बी। अगला प्रश्न, वॉर्म डिस्क का मतलब है, पहला है राइट वंस रीड मनी, दूसरा है राइट वंस रिकॉर्ड मनी, तीसरा है विद वन रिकॉर्ड मनी, चौथा है राइट वन रीड माइक्रोफोन। इसका आंसर है ए, राइट वंस रीड मनी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, पहला है डिजिविल प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर, चौथा है थर्मल प्रिंटर। इसका आंसर आएगा सी, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पहला है माउस, दूसरा है ट्रैकबॉल, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है ट्रैक पॉइंट। इसका आंसर आएगा जॉयस्टिक, सी। अगला प्रश्न, ग्राफिक्स और इलेक्ट्रॉनिक लेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन किसका उपयोग किया जाता है, पहला है टच स्क्रीन, दूसरा है ग्राफिकल टैबलेट, तीसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, डेटा फॉर्म को इमेज फॉर्म में इनपुट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, पहला है स्कैनर, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है माउस। इसका आंसर है ए, स्कैनर। अगला प्रश्न, बैंकों में चेक पढ़ने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, पहला है OCR, दूसरा है MICR, तीसरा है OMR, चौथा है BCR। इसका आंसर आएगा बी, MICR। अगला प्रश्न, सबसे वैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने या कागज़ पर पेंसिल के निशान को स्कैन करने के लिए क्या किया जाता है, पहला है MICR, दूसरा है OCR, तीसरा है OMR, चौथा है BCR। इसका आंसर आएगा सी, OMR। इसके बाद अगला प्रश्न है, कागज़ पर बनाई गई रेखाओं के बीच
रिक्त स्थान और विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पहला है OCR, दूसरा है BCR, तीसरा है OMR, चौथा है MICR। इसका आंसर आएगा बी, BCR। अगला प्रश्न, मुद्रित हस्तलिखित पाठ को इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है MICR, दूसरा है OMR, तीसरा है OCR, चौथा है BCR। इसका आंसर आएगा OCR, सी। अगला प्रश्न, ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है हेडफोन, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है स्पीकर, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है माइक्रोफोन, बी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म छवि के रूप में आउटपुट किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला है स्कैनर, दूसरा है माइक्रोफिल्म, तीसरा है लेजर प्रिंटर, चौथा है इंकजेट प्रिंटर। इसका आंसर आएगा बी, माइक्रोफिल्म। सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए हम फिर वापस रिपीट कर रहे हैं, नीचे बॉटम में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में बेल का चिन्ह दिखाई देगा, बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। आगे हम कंप्यूटर जो भी वीडियोज़ बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।